Hello and welcome to our discussion on maintenance. Now, till this point, we have talked about various aspects of production. We have talked about layout, location, and different things. Now that we are reaching towards end of this discussion on production operation management, we have a topic called maintenance. What is maintenance? We have a layout, we have machines in place. Now we are producing, our machines are working, they are running. Now we need to look for maintenance. What is maintenance? Maintenance is that yes, you have your machines installed, yes, you are producing, yes, you are producing 10,000 units a day. But then there will be times when these machines will need maintenance. जैसे कि हमारे पास हमने एक गाड़ी खरीद ली, अब वो गाड़ी हम चला रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी में कभी ना कभी हमारे को मेंटेनेंस भी करानी पड़ती है. वो मेंटेनेंस क्या हो सकती है? उसके अंदर पेट्रोल भराना. दो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस, लेकिन यस, उसमें टाइमली पेट्रोल भराते रहेंगे तो किसी दिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि गाड़ी कहीं पर खड़ी हो जाए. तो यस, इट कैन बी कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस. क्यों मेंटेनेंस? क्योंकि अगर आपने रेगुलरली पेट्रोल नहीं भराया तो किसी दिन वो ऐसी खड़ी हो जाएगी कि चलेगी नहीं, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाएगा उसका सड़क पे. देन अगर हम पेट्रोल को हटा दें तो जो उसके अंदर ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है, वो मेंटेनेंस का पार्ट है. हमें हमेशा कहा जाता है कि पीरियोडिकली हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते रहें, जिससे कि वो ऑयल चेक होता रहे, और जब वो ऑयल ख़त्म होने लगे, ख़राब होने लगे, उस टाइम वो चेंज कर दिया जाए, जिससे कि इंजन की लाइफ बनी रहे, फ्यूल एफिशिएंसी बनी रहे. तो यस, गाड़ी के अंदर भी हम मेंटेनेंस करते हैं. अब इसी गाड़ी के एग्जाम्पल को लेते हैं. अगर हमने मेंटेनेंस नहीं कराई, ऑयल चेंज नहीं कराया, तो क्या होगा? वो गाड़ी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है. आपने एक साल के जो आपके 500, 1000, 1500, 2000 रुपए लगते सर्विस के, आपने वो बचा लिए. अगले साल फिर आपने सर्विस नहीं कराई, 2000 रुपए फिर बचा लिए. अब हो ये रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, सर्विस नहीं करा रहे. अब ये सर्विस जब आप 2 साल 3 साल नहीं कराएंगे और वो ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पानी बन जाएगा, और आपके इंजन के अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा, वो इंजन किसी दिन गर्म होकर के ख़राब भी हो जाएगा. अब जब इंजन ख़राब हो गया है, तो वो जो 2000 रुपए आपने सालों के बचाए थे, 1 साल बचाए 2 साल बचाए 3 साल बचाए, अब आपका पूरा इंजन का रीवर्क होएगा. या तो इंजन चेंज होएगा या इंजन ठीक होएगा. इंजन ठीक भी हो गया तो वी ऑल नो कि जैसा एक्चुअल मशीन बनाई गई होगी, फैक्ट्री के अंदर बना होगा, वैसी कंडीशंस तो डेफिनेटली सर्विस सेंटर पे नहीं है. तो वो जो ओरिजिनल इंजन था, ओरिजिनल इंजन की पैकिंग थी, वो तो वापस से नहीं बनने वाली है. इसका मतलब इंजन वापस से उस एफिशिएंसी पे तो किसी हालत में भी नहीं जाने वाला है. तो हुआ क्या, आपने 1 साल 2 साल 3 साल का सर्विस चार्ज तो बचा लिया, लेकिन अब आपकी गाड़ी पूरी तरह से एक जगह खड़ी होगी, क्योंकि इंजन चल नहीं रहा है. अब उसका इंजन पे काम होएगा. तो आपने 2-3 साल तो बचाया पैसा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पैसा लग गया. उसकी जगह क्या हो सकता था, आप हर साल अगर सर्विस कराते रहते और आपकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, तो हो सकता है पहले साल 2000 रुपये लगते, लेकिन अगले साल 500 रुपये लगते कि ठीक है आपका इंजन ठीक है, अगले साल फिर 500 रुपये लग जाते. तो आइडिया इज़ कि अगर हम पीरियोडिक मेंटेनेंस करवाते रहें, सर्विसिंग कराते रहें, तो हो सकता है हम उस दिन को टाल सकें जहाँ पर हमारा इंजन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा. नाउ यू कैन चेक कि भाई मैं हर साल के 2-2000 रुपये बचाऊंगा, तो 3 साल में 6000 रुपये बचा लूँगा. चौथे साल भी मैं सर्विस नहीं कराऊंगा, लेकिन इंजन ख़राब हो गया तो मैं इंजन सही करा लूँगा. इंजन सही कराने के आपने कहा कि भाई 5000-6000 रुपये लगते हैं, तो 4 साल में मैंने 2-2000 रुपये करके 8000 बचा लिए. 5000 रुपये मेरे इंजन ख़राब हुआ जब करेक्शन के लग गए, 6000 रुपये लग गए, 7000 रुपये लग गए, 8000 रुपये लग गए. तो अब आपने क्या कहा कि हर साल 2-2000 रुपये मैं देता, मेंटेनेंस कराता जाता, टाइम वेस्ट होता, उसकी जगह ठीक है एक साथ दे दिया 8000 रुपये, नो इश्यूज. ये अब आपको देखना है कि क्या आपके लिए वो 2000 रुपीज़ पर मंथ देना सही था, या वो 8000 वन शॉट देना सही है. क्योंकि इसके अंदर यू ऑलवेज रन इनटू अ रिस्क कि जब वो मशीन ख़राब होगी, उस टाइम आपका काम एकदम रुक जाएगा. हम अपनी चलती हुई मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस में तो क्या कर सकते हैं, वी कैन स्पेयर सम टाइम. हम ये देख सकते हैं कि इस टाइम छुट्टी आ रही है, इस टाइम मेरे को गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस टाइम आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं इस गाड़ी को सर्विस में दे दूँ, इस तरह का कुछ प्लान कर सकते हैं. तो उसमें क्या हुआ, आपके ऑपरेशंस पे प्रॉब्लम नहीं आई उस गाड़ी के कारण. लेकिन जिस दिन वो बंद हो जाएगी, उस दिन हो सकता है आपका एग्जाम हो और वो गाड़ी अचानक बंद हो गई, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, सुबह आपको ऑटो नहीं मिलते इतने आसानी से, और आपका 8 बजे पेपर है, सब 12-15 किलोमीटर्स फार. अब अचानक से क्या हो गया कि वही खर्चा तो होने वाला है, लेकिन आपका काम कितना गंदा फंस गया. सो यू नीड टू चेक कि क्या मैं इस पीरियोडिक मेंटेनेंस पे खर्चूं, या जब वो ख़राब हो जाएगा उस पे खर्चूंगा. तो ये जो पीरियोडिक मेंटेनेंस पे खर्चना होता है, दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस,
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हो गया कि कोई चीज़ ना हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो, उसके लिए मैं मेंटेनेंस करा रहा हूँ। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, पीरियोडिक मेंटेनेंस करता है हम, पीरियोडिक सर्विस कराते हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर भी क्या होता है कि एक शेड्यूल बना हुआ है कि महीने में एक बार सारी मशीन्स की ऑयलिंग होगी, महीने में एक बार कोई इंजीनियर आएगा जो सारी मशीन्स के मेजरमेंट्स देख करके चला जाएगा कि कटिंग सही चल रही है या नहीं, स्पीड सही चल रही है या नहीं, आरपीएम सही है या नहीं, आवाज़ सही है या नहीं, इंजन सही है या नहीं, अंदर इंजन सॉरी ऑयल सही है या नहीं, वो सब कुछ चेक कर जाएगा। कुछ ख़राब नहीं हुआ है बट स्टिल वो इंजीनियर आएगा और वो ये सब चीज़ें देख करके चला जाएगा। दिस इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जो हम गाड़ी में कराते हैं पीरियोडिकली, वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नाउ अनदर काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है कि कोई चीज ब्रेकडाउन हो गई, खराब हो गई, उस टाइम आपने जाकर के उसकी मेंटेनेंस करा ली। जैसे मैंने 4 साल तक तो गाड़ी की सर्विस नहीं कराई, जब वो इंजन खराब हुआ तब करा ली। मैंने पीरियोडिकली हवा टेस्ट नहीं कराई टायर की, जिस दिन हवा कम हो गई, पंचर हो गया, टायर गल गया, सूख गया, ख़त्म हो गया, उस दिन नया टायर ट्यूब लगवा लिया, तो दैट इज़ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। डेली हम उसमें रेगुलरली एयर चेक कराते रहें और फिल कराते रहें तो ऐसा हो जाएगा कि महीने डेढ़ महीने में मेरे को 20-40 रुपये देने पड़ रहे हैं हवा भरवाने के, तो कौन तो दे, जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे। तो अगर आप हर टाइमली उसको हवा भरवा रहे हैं, दैट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टाइमली सर्विस करा रहे हैं, दैट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टाइमली एक इंजीनियर आ रहा है मेरी सारी मशीन्स को चेक करके जा रहा है, दैट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर जब आप कोई ट्रेन रुकी हुई होती है तो कोई जना होता है जो वो एक हथौड़ा टाइप लेकर के रवाना हो जाता है और जो नीचे उसके व्हील्स होते हैं ट्रेन के उन पर मारता हुआ चलता जाता है, तो वो क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों है कि वो जो आवाज़ कर रहा है, वो बजा रहा है, उसको चेक कर रहा है, तो अगर कहीं पे कुछ लूज़ हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट इन प्लेस, तो अभी ही उसको ठीक कर दे। कितनी ज़्यादा सीरियस बात हो जाएगी कि एक लूज़ व्हील को, एक डिस्टॉर्टेड व्हील को हम लेकर के रवाना हो जाएं और रास्ते में कोई ब्रेकडाउन हो जाए और ट्रेन डीरेल हो जाए। डीरेल होने में चलिए कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई तो भी 10 घंटे 12 घंटे हमारे लग गए कि वापस से उस पटरी को सही करना है, रेलवे लाइन को सही करना है, ट्रेन को वापस से सही रखना है। ठीक है, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, मेजर कैजुअलिटीज़, लेकिन किसी को चोट तो लग ही सकती है। तो अब इन सब चीज़ों को कैसे फाइट किया जाए, तो उन सब चीज़ों को फाइट करने के लिए क्या करते हैं, आपने ट्रेन में देखा होगा वो लाइट लेकर के घूमते रहते हैं, नीचे देखते रहते हैं, थोड़ा सा बजाते रहते हैं टायर, वो व्हील्स के ऊपर थोड़ा सा हथौड़ा टाइप का, आयरन रॉड टाइप का मारते रहते हैं, जिससे उनको आवाज़ से आइडिया लग जाता है कि इफ़ समथिंग इज़ लूज़ ऑर। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लीजिए चाहे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर लीजिए, यू हैव टू काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस। इन दोनों की अगर हम रिलेशनशिप देखें, लेवल ऑफ मेंटेनेंस और यहां पे हम कर सकते हैं कॉस्ट। लेवल ऑफ मेंटेनेंस क्या है कि अगर आपने पीरियोडिक मेंटेनेंस, मैं कह देता हूं कि अच्छा 4-5 साल तक तो इंजन के कुछ नहीं होगा, मैं 3 साल में पीरियोडिक मेंटेनेंस करूंगा, तो मैं 3-3 साल में पीरियोडिक मेंटेनेंस करा रहा हूं, तो मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन ब्रेकडाउन का रिस्क तो है, क्योंकि जब मैं 3-3 साल में सर्विस करा रहा हूं, इसका मतलब नेक्स्ट 3 ईयर्स तक मैं इंजन की सर्विस नहीं कराऊंगा, तो हो सकता है ब्रेकडाउन हो जाए। अच्छा, 3 साल रिस्की प्रोपोजिशन है क्या, चलो मैं 1-1 साल के अंदर करा लेता हूं सर्विस। अब अगर 1-1 साल में हमने सर्विस करानी शुरू कर दिया है तो ठीक है, आज चेक हुआ है, अब कितना हम चला लेंगे सिटी लिमिट्स के अंदर, इतनी गाड़ी कितनी चल जाएगी, नेक्स्ट ईयर फिर सर्विस हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर फिर सर्विस हो जाएगी, सारे कंपोनेंट्स टाइमली चेक होते रहेंगे। तो इस केस में अब हमारे पास क्या हो रहा है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी है। फिर 1 साल में आपको ज़्यादा लगता है कि भाई आप हाईवे पे भी जाते हैं, बाहर भी गाड़ी चलाते हैं, 250-500 किलोमीटर तो आप वैसे ही एक दिन में कभी कभार खींच देते हैं, एक वीक के अंदर एक चक्कर बाहर का लग जाता है। इन दैट केस 1 ईयर वुड बी ए लॉन्ग पीरियड, तो आपने कहा कि ठीक है 6 महीने में करा लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि आप 6-6 महीने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराने लगे, तो कॉस्ट ऊपर गई या नहीं गई, लेवल ऑफ मेंटेनेंस तो बढ़ गई, मेंटेनेंस एक्टिविटी तो बढ़ गई, 3 साल में हो रही थी, 3 साल की जगह अब 1 साल में हुई, फिर 1 साल की जगह आपने साल में 2 बार करानी शुरू कर दी, तो कॉस्ट तो बढ़ रही है। तो एज लेवल ऑफ मेंटेनेंस ग्रोज इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये कौन सी हो गई हमारी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फिर अब अगर मैं लेवल ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी को बहुत कम कर दूं, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल तक मैं मेंटेनेंस नहीं कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, लेवल ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी तो बहुत कम कर दी,
जहाँ मैं हर महीने अपनी टायर्स की हवा टेस्ट करवा रहा था, एयर लेवल चेक करवा रहा था कि कितना टायर में एयर प्रेशर है, उसको अगर मैं कम कर दूं कि मैं तो चेक ही नहीं कराऊंगा, खर्चा ही नहीं करूंगा, चार साल तक सर्विस नहीं कराऊंगा, हवा चेक नहीं कराऊंगा, जिस दिन कम लगेगी उसी दिन चेंज कर हवा भरवाएंगे, तो अगर आपने लेवल ऑफ मेंटेनेंस को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है तो क्या होगा, जैसे जैसे हम यहाँ आ जाएंगे, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का अगर हम कर्व देखें तो वो इस तरह का रहेगा कि जब आपने लेवल ऑफ एक्टिविटी बिल्कुल कम कर दी है, मेंटेनेंस बिल्कुल कम कर दी है, तो फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी जब कभी भी आएगी। और अगर हम धीरे 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 लेवल ऑफ मेंटेनेंस बढ़ाते हैं कि तीन साल की जगह एक साल में कर दिया, तो फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का खर्चा काफी नीचे आ जाएगा, ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होगी ही नहीं। अगर हम साल में दो बार मेंटेनेंस कराने लग जाएं, सर्विस कराने लग जाएं, तो ऑलमोस्ट हम कार की ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को कम कर लेंगे। फैक्ट्रीज के अंदर डिपेंडिंग ऑन कितना लोड है, कितना प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे हो रहा है, अगर हम इसको कम कर लें तो व्हाट विल हैपन इज कि आप बिल्कुल नीचे लेकर के आ जाएंगे उस मेंटेनेंस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की कॉस्ट को। अगर हमने लगा दिया है कि भाई पीरियोडिक चेक्स होंगे, महीने में एक मेजर मेंटेनेंस होगी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और वीकेंड्स के ऊपर वो जस्ट यू जैसे अपना वो ट्रेन में हमने देखा था कि वो व्हील्स के ऊपर एक आयरन रॉड से या किसी थोड़े से हैमर से मार करके देखते हैं कि भाई यहाँ सब कुछ टाइट है, लूज तो नहीं है कोई व्हील। तो अगर इस तरह का है तो हमने क्या किया कि महीने भर में तो हमारी एक मेजर मेंटेनेंस होगी, और वीकली हम इसको थोड़ा सा, जब भी वीकेंड होगा, संडे का ऑफ रहता है, तो थोड़ा सा इसको चेक कर लिया जाएगा, तो वो हमारी क्या हो गई, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एकदम कम हो गई, क्योंकि हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कर रहे हैं, छोटे चेक्स हर वीक हो रहे हैं, फिर मंथली मेंटेनेंस हो रही है, तो आपने लेवल ऑफ मेंटेनेंस बहुत बढ़ा दी, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऊपर चली गई लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम नीचे आ गई। तो इन दोनों कॉस्ट्स को अगर हम देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक को कम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, फिर दूसरी को नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो पहली बढ़ जाती है, दे हैव इन्वर्स रिलेशनशिप, ये बढ़ रही है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जबकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कम हो रही है। तो अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो, मेरे को कहीं एक बैलेंस तो स्ट्राइक करना पड़ेगा। वो जो हवा टेस्ट कराने की बात है वो महीने में एक बार होनी चाहिए, आप वीक में एक बार करा लो, आप डेली करानी शुरू कर दोगे। जो गाड़ी की सर्विस थी, जो मैंने कहा कि तीन साल में कराऊंगा, फिर मैंने कहा एक साल में कराऊंगा, फिर मैंने कहा एक साल में दो बार कराऊंगा, मैं हर महीने करानी शुरू कर दूं, ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी ब्रेकडाउन से पहले तो मुझे पता ही पड़ जाएगा कि भाई ये चीज़ खराब होने वाली है, तो इसका मतलब ब्रेकडाउन तो ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगी, लेकिन प्रिवेंटिव कितनी कॉस्टली हो जाएगी हर महीने में अगर किसी चीज़ को सर्विस कराऊं। सो द आइडिया ओवर हियर इज कि ना तो मैं इस ग्राफ पे चलता हूं ना इस पे चलता हूं, मेरे को तो अल्टीमेटली एक चीज को चलाना है, मेरे पास तो ये मशीन है जिसको मेरे को चलाना है। अब इस मशीन के अंदर जो टोटल कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, तो अगर हम इस टोटल कॉस्ट कर्व को देखें तो ये इनिशियली तो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप सर्विस एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप मेंटेनेंस एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाते हैं, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये इंक्रीज होने लग जाता है। तो मेरे लिए आइडियल क्या रहेगा, दिस इज द लेवल ऑफ मेंटेनेंस, ये भाई मैं इतनी बार करूंगा मेंटेनेंस। तो अब ये आप अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं, हमने आज अगर पहली बार व्हीकल लिया है तो कोई बड़े भैया ने व्हीकल चला रहे होंगे सालों से, पेरेंट्स चला रहे हैं, या हमारे को कंपनी वाला बता देता है। आपने देखा होगा जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं तो हमारे को जो वो मैनुअल मिलता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि पहली सर्विस 45 डेज और 500 किलोमीटर्स, दूसरी सर्विस 6 मंथ्स और 1000 किलोमीटर्स। तो वो जो कंपनी वाले हैं उन्होंने एक अपनी स्टैटिस्टिक्स स्टडी से ये निकाल रखा है, एक्सपीरियंस से ये निकाल रखा है कि एक नई गाड़ी को इनिशियली थोड़ी ज़्यादा सर्विस चाहिए होती है, उसके बाद आप एक साल में एक बार करा सकते हैं या 2000 किलोमीटर पर एक बार करा सकते हैं। तो दैट इज़ दी आइडिया कि हमारे को टोटल मेंटेनेंस कम करनी है। ये एक पॉइंट कहाँ से आएगा, या तो ये किसी के एक्सपीरियंस से आ जाएगा, या मेरे एक्सपीरियंस से आ जाएगा, या मशीन के साथ सजेस्टेड होगा वहाँ से आ जाएगा। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव इज कि कोई चीज़ खराब होने से पहले ही हम रेगुलर शेड्यूल के ऊपर उसको चेक कराते रहे, मेंटेनेंस कराते रहे। और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है कि हम उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कराएं, जिस दिन वो खराब होगी उस दिन सही कराएंगे। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में एक प्रॉब्लम तो ये है कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। प्रिवेंटिव में तो क्या था, जस्ट हमारे को चेक करना था, लेकिन ब्रेकडाउन में तो वो चीज़ फेल हो गई है, वो चीज़ पूरी रिप्लेस होगी, इंजन रिप्लेस होएगा या इंजन पे रीवर्क होएगा। तो पहला तो ये कि वो मॉनेटरी टर्म्स में कॉस्टली होती है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बिजनेस के अंदर पैसे से ज़्यादा हमारे लिए टाइम की वैल्यू होगी।
अगर कोई एक मशीन मेरी 3 दिन 4 दिन के लिए बंद हो गई और मेरा प्रोडक्ट 3 दिन 4 दिन के लिए मार्केट में नहीं आया, तो फिर हमारे कस्टमर्स टूट करके दूसरी ब्रांड्स में जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए एक बिजनेस के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी जो ऑपरेशंस हैं, फंक्शनिंग है, उसके अंदर ब्रेकडाउन्स ना आए, लैप्सेस ना आए, टाइम लैग्स ना आए। इसलिए इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि ब्रेकडाउन की जगह हम कहाँ पे रहें, प्रिवेंटिव पे। हाँ, प्रिवेंटिव भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी है कि हमारे को बहुत कॉस्ट बढ़ जाए। तो वी नीड टू चेक अ बैलेंस बिटवीन प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन। यस, ब्रेकडाउन्स होंगे ही होंगे। आप कितनी भी सर्विस करवा लीजिए, आप कितनी भी एयर प्रेशर चेक करा लीजिए, कभी ना कभी पंक्चर होगा, कभी ना कभी गाड़ी खराब होगी, कभी गियर वायर टूटेगा, कभी क्लच वायर टूटेगा, तो वो चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लिमिट तो होनी चाहिए। हम इतना भी स्ट्रेच ना करें कि एक बहुत मेजर ब्रेकडाउन हो, हम इतना भी ज़्यादा सर्विस ना कराएं कि हमारे को सारा टाइम सर्विस सेंटर में ही बैठे हुए हैं, वीकली सर्विस करा रहे हैं, हर वीकेंड पे पहुंच गए, ऐसा भी नहीं हो। सो दीज आर टू फिलोसफीज ऑफ मेंटेनेंस, कि या तो आप प्रिवेंटिव पे स्टिक कर सकते हैं या ब्रेकडाउन पे, एंड बेटर हम इन दोनों की एक मिक्स पे चले कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, हम फैक्ट्री चला रहे हैं तो 6 महीने में एक बार तो हमारी एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग होगी, सब कुछ चेक होएगा। लेकिन मंथली बेसिस पे क्या होगा, सिर्फ एक इंजीनियर आएगा, वो मेजरमेंट्स चेक करके चला जाएगा, वो सिर्फ ऑयल लेवल चेक करके चला जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं 6 महीने में जो हो रही है उसमें तो हम बेल्ट्स भी चेक कर रहे हैं, बेल्ट्स की क्या कंडीशन है, तो वो अब आप अपना लेवल डिसाइड कर सकते हैं। तो वी कैन ऑलवेज गो विद अ मिक्स ऑफ प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन। अब थर्ड चीज जो यहां पर एक आ रही है वो है, विच इज मोर ऑफ अ फिलॉसफी, वो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या, इट इज मोर ऑफ अ फिलॉसफी, इट इज मोर ऑफ अ कंसेप्ट। जैसे कि सिक्स सिग्मा है, जस्ट इन टाइम है, ये मोर ऑफ अ कंसेप्ट, दीज आर मोर ऑफ कंसेप्ट। एग्जैक्टली इन पे पहुंचना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे को पता नहीं होता है कि मैक्सिमम क्या है या मिनिमम क्या है। तो ये कुछ आइडियाज हैं जिनकी तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। जैसे जस्ट इन टाइम है, जस्ट इन टाइम कभी भी हो नहीं सकता है। जस्ट इन टाइम क्या होता है कि जब जिस चीज़ की जरूरत हो वो उसी टाइम मिले मुझे। तो अगर मार्केट के अंदर एक टेलीविजन की जरूरत है तो उसी टाइम फैक्ट्री के अंदर बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको भी पीछे से रॉ मटेरियल लाना होता है, रॉ मटेरियल वाले को भी रॉ मटेरियल तैयार करना होगा, किसी को पिक्चर एलिमेंट्स तैयार कर रहे होंगे, किसी को रिमोट तैयार करने होंगे, किसी को बैटरी तैयार करनी होगी, तो उनको भी टाइम लगता है। तो प्रैक्टिकली जस्ट इन टाइम इज नॉट पॉसिबल। बट यस, अगर मेरी फोरकास्ट मैकेनिज्म बहुत अच्छे हैं, अगर मेरे डिमांड फोरकास्ट मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ, मैं उसको पतला कर सकता हूँ, मैं उस जो टाइम लैग है उसको कम कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ। जीरो नहीं होता है, जस्ट इन टाइम एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन है, तो वो एक फिलॉसफी है। सिमिलरली टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज अ फिलॉसफी कि इस तरफ अगर हम चलें। जैसे मेंटेनेंस के तो ये दो मैकेनिज्म हैं, या तो आप रूटीन शेड्यूल्ड मेंटेनेंसेस कराएं, या फिर जब कोई चीज़ खराब हो जाए उस टाइम मेंटेनेंस करानी ही पड़ेगी। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक फिलॉसफी है, कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है इसका, एक होलिस्टिक कंसेप्ट है। पूरे प्रोडक्शन के अंदर हमने देखा है कि एक कोर कंसेप्ट था और फिर एक उसका अम्ब्रेला कंसेप्ट था जिसका वो एक पार्ट बन के रह जाता था। जैसे कि हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखा, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वॉज मेनली मैनेजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, कि जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है उस प्रोसेस को मैनेज करना, फैक्ट्री के अंदर जहाँ मशीन्स लगी हुई हैं उसको मैनेज करना। लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर मशीन्स छोटे पार्ट में लगी हुई होती है, ज़्यादा पार्ट क्या होता है, गोडाउंस का होता है, स्टोरेज का होता है, ऑफिस का होता है, कैंटीन का होता है, पार्किंग का होता है, गार्डन्स का होता है। तो कन्वर्जन तो बहुत छोटी जगह हो रहा है, बहुत सारा है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कंसेप्ट को थोड़ा फैलाया गया, बड़ा किया गया, कंप्लीट फैक्ट्री पे ले जाया गया, तो वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट बन गया कि सारे ऑपरेशंस मैनेज करें, सिर्फ उस रूम के अंदर होने वाला प्रोडक्शन क्यों मैनेज किया जाए, क्यों ना यहाँ पे रॉ मटेरियल कैसा आ रहा है वो भी मैनेज किया जाए, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या है वो भी मैनेज की जाए, बिलिंग सही टाइम से हो जाए ये भी मैनेज किया जाए, जो हमारा गोडाउंस है उनके अंदर भी ऑप्टिमम लेवल पे वो भरे रहे, ऐसा भी नहीं है कि वो ओवरक्राउडेड हो, वो ऐसा भी नहीं है कि वो खाली हो, ये सब मैनेज किया जाए, दैट वाज ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट है कि फैक्ट्री सही से चलती रहे, मशीन सही से चलती रहे, इस पे काम करने वाले लोग सही से टाइम से आ जाए, जितनी यूनिट्स चाहिए वो बना दें। तो प्रोडक्शन का एक्सटेंशन हुआ ऑपरेशन मैनेजमेंट। MRP1 हमने देखा था, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या था, एक छोटा कंसेप्ट था कि इस पेन को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल है वो टाइम से आ जाए। फिर उसके ऊपर आया हमारे पास MRP2, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। तो MRP1 के ऊपर सुपर सेट क्यों था MRP2, क्योंकि MRP2 ये कहता था कि सिर्फ इस पेन का क्यों देखना है, इस पेन की जो बिलिंग होगी उस बिलिंग का कागज़ भी आप क्यों ना मैनेज करके रखो,
जो लोग आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं वो जहाँ से पानी पियेंगे वहाँ का वाटर प्योरीफायर को भी क्यों ना मैं मैनेज करके रखूँ, क्यों ना मैं वो उस प्रिंटर की कार्ट्रिज को भी मैनेज करके रखूँ। तो MRP 2 जो था वो MRP 1 का सुपर सेट था कि भाई सिर्फ इतने पे क्यों देखा जाए, पूरे पे देखा जाए, सिर्फ प्रोडक्शन पे क्यों देखा जाए, ऑपरेशन पे देखा जाए। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस उसी तरह का कंसेप्ट है कि सिर्फ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्यों देखा जाए कि भाई इस मशीन को ही ठीक करना है, सिर्फ यही क्यों देखा जाए कि मशीन खराब हो गई है तो अब इसको ठीक किया जाए, सिर्फ ये क्यों देखा जाए कि मशीन सही से चलती रहे, सब कुछ सही क्यों ना हो, दैट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्या है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का कंसेप्ट, कि जब तक हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से पहले के एरा के अंदर रह रहे थे, जैसे कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है कि वीकली या मंथली एक इंस्पेक्शन हो जाएगा, मशीन को चेक कर लिया जाएगा। उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो काम करने वाली टीम है वो तो काम कर रही है, पूरे 7 दिन काम कर रही है, 6 दिन काम कर रही है, 15 डेज काम कर रही है, फिर एक टेक्निकल टीम आती है वो मशीन्स को देख करके चली जाती है, मशीन्स का इंस्पेक्शन करके चली जाती है। तो यहाँ तक क्या था, वर्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड कि इस पर प्रोडक्शन अलग लोग करेंगे और इसकी चेकिंग, इसकी मेंटेनेंस, इसके ऑपरेशंस को दूसरे देखेंगे, ये मशीन सही चल रही है या नहीं ये चेक करने वाला कोई और है, इसको चलाने वाला कोई और है, गाड़ी चलाने वाला कोई और है, इसको चेक करने वाला कोई और है। अब कैसा हो, अगर मेरे को ही कार चलाने की थोड़ी नॉलेज हो जाए, मैं ही कार की जो आवाज़ है, साउंड है, उससे थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकूं कि नहीं इसके अंदर फ्यूल में कचरा आ रहा है, नहीं मे बी इंजन के अंदर नॉकिंग हो रही है, जो क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन है मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ा सा गियर अटक रहा है, तो अगर मेरे को ये चीज़ें पता पड़ने लग जाए तो कितनी अच्छी एक सिचुएशन आ जाएगी कि जो मैं बिना ज़रूरत के भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा रहा था उससे भी बच गया, क्योंकि अब तो मेरे को ही आइडिया लग जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और मैं जाके सर्विस करा लेता हूँ। तो प्रिवेंटिव से भी बच गया और ब्रेकडाउन से भी बच गया और अब मैं ऑप्टिमम टाइम के ऊपर जाकर के सर्विस करा रहा हूँ। लेकिन ये कब एनेबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब उस मशीन पर काम करने वाले में ही समझ होगी। यहां तक क्या था, डिफरेंट पीपल वर इनटू प्रोडक्शन एंड डिफरेंट पीपल वर इनटू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की टीम अलग आते थे, इंजीनियर्स अलग आते थे, तो यहां पे वो अलग थे। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का क्या कंसेप्ट है कि क्यों एक अलग से टीम को बुलाया जाए। यस, कभी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम होगी तो नई टीम आएगी, दूसरी टीम आएगी, स्पेशलिस्ट टीम आएगी, जो इंजीनियर्स हैं मशीन के, जो कंपनी वाले हैं वो आएंगे। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहता है कि वो तो होगा, लेकिन रूटीन में जो आदमी इस मशीन के ऊपर काम कर रहा है, क्यों ना उसमें भी ये अवेयरनेस हो, क्यों ना वो इस मशीन को ही अच्छे से चलाए। आपने देखा होगा कि कितने सारे छोटे बच्चे होते हैं, वो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उन पर बिना धीरे किए गाड़ी को निकाल देते हैं। वहीं पे जो अपनी हार्ड अर्न मनी से उस गाड़ी को खरीदता है वो स्पीड ब्रेकर पे बिल्कुल प्रॉपरली निकालता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि इस स्पीड ब्रेकर से मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम देखें तो वो बच्चा क्या कर रहा है, उस गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जितनी बार आप वहाँ से निकलते हैं गाड़ी के अंदर झटका लगता है, पता नहीं पड़ता है, लेकिन वियर एंड टीयर तो होता ही है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि जो मशीन को चला रहा है वो मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो उस मेंटेनेंस पे नहीं, रादर वो उस मशीन की वेलबींग पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो तो बस निकाल देता है, खड्डा आया तो भी निकाल दी, स्पीड ब्रेकर आया तो भी निकाल दी, फुल स्पीड पे चला रहे हैं सामने कोई आ जाएगा तो ब्रेक मार देंगे, ब्रेक मारेंगे तो जो टायर है वो स्किड हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन टायर तो घिस गया, जैसे ही वो स्किड हुआ वो रगड़ के यू कैन सी के वो रोड के ऊपर मार्क्स आ जाते हैं उसके टायर के, इसका मतलब वो कुछ कम तो हो गया रबर, जब रबर कम हो गया है तो इसका मतलब उसकी एज कम हो गई, जो आपका 5 साल 6 साल में ख़त्म होता टायर वो हो सकता है 3 साल 4 साल में ख़त्म हो जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि उस मशीन पे काम करने वाले में अवेयरनेस नहीं है तो वो मशीन को ख़राब कर रहा है। वहीं पे उस मशीन पे काम करने वाले को समझा दिया गया होता कि भाई इससे गाड़ी ख़राब होती है, इससे ये कोई कूल बात नहीं है कि हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकल गए, हम खड्डे के ऊपर से निकल गए, इससे ये होता है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो रही है। अब जब उसको ये अवेयरनेस आ जाएगी तो वो क्या करेगा, उस गाड़ी को संभाल के रखेगा, वो भी अब जैसे ग्रोनअप्स की तरह अच्छे से चलाने लग जाएगा। वही हम यहाँ करना चाह रहे हैं कि टेक्निकल टीम की जब ज़रूरत पड़ेगी तब तो पड़ेगी, बट क्यों ना हम ही उन मशीन्स को अच्छे से चलाएं, क्यों ना हम ही उसको कैजुअली, ऐसा नहीं है कि आकर के ऑन कर दिया, अब 15 मिनट आधा घंटा मैं घूम के आ रहा हूँ, पूरी फैक्ट्री का राउंड लगा के आ रहा हूँ, बातचीत करके आ रहा हूँ, अभी कौन इतनी सुबह इतनी ठंड में काम करेगा, घूम रहा हूँ मैं, मशीन ऑन पड़ी हुई, अब आधा घंटा वो बिना किसी चीज़ के गर्म हो रही है, हीटिंग हो रही है, तो उस चीज़ को अगर मैं ध्यान रख सकूँ तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का वो कंसेप्ट है कि जो जना काम कर रहा है उसमें अवेयरनेस हो, जिससे वो टूल्स को अच्छे से यूज़ कर सके, जिससे वो प्रोडक्शन को अच्छे से कर सके, जिससे वो मशीन्स को अच्छे से ट्रीट कर सके, जिससे कि
हम इन दोनों से बच सकें। अगर मुझे पता पड़ने लग जाए कि इंजन की आवाज़ में गड़बड़ है, क्लच ढीला है, गियर खराब ढीला बिहेव कर रहा है, तो ना तो मेरे को हर 6 महीने में जाना पड़ा, ना मेरी चीज़ ख़राब हुई, जब ज़रूरत पड़ी एग्जैक्ट उसी टाइम हमने सर्विस करा ली। ये दोनों में हम क्यों फंसे हुए थे कि इसमें मेरे को पता नहीं था कि कब प्रॉब्लम आएगी, इसमें तो प्रॉब्लम आ चुकी है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को फोरकास्ट कर रहा हूँ, जस्ट वो आने वाली होती है, जस्ट लगने लग रहा था कि गियर अटक रहा है, उसी टाइम मैंने सर्विस करा दी और कह दिया कि भाई गियर अटक रहा है, तो उन्होंने अंदर चेक कर लिया और जो भी था सही कर दिया। अभी भी किया किसने, जो प्रॉब्लम मेजर थी वो तो किसने की, टेक्निकल टीम ने, लेकिन थोड़ी बहुत मेंटेनेंस मेरे को आ गई। यस, हम सबके घर पे एयर प्रेशर चेक करने का वो मैकेनिज्म नहीं होता है कि भाई कितने पाउंड भरी गई है हवा, लेकिन हम एटलीस्ट इतना तो देख सकते हैं कि हाँ भाई गाड़ी पे मैं बैठ जाता हूँ तो टायर कितना दबना चाहिए, गाड़ी अकेली खड़ी है तो कितना दबना चाहिए, उसको थोड़ा सा हाथ से दबा के देख लिया, पाँव से मार के देख लिया, तो पता आइडिया लग जाए कि कितना टाइट है टायर। तो अगर मैं ही इतनी मेंटेनेंस करके रखूँ तो जब मेरे को लगेगा कि प्रेशर कम हो रहा है हवा भरवा लूँगा, हवा भरवा लेने से क्या हो जाएगा कि टायर सही हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा उसका रोड के साथ, आपको माइलेज अच्छी मिलने लग जाएगी। सो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज अ होलिस्टिक कंसेप्ट कि जिसको ठीक करनी है मशीन वो तो करेगा ही, लेकिन जो चला रहा है वो भी इस अवेयरनेस से चलाए तो ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस जो हमने बात की, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। हाँ, अब जब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होगी तो हम उसकी एडवांटेजेस गिन सकते हैं, मशीन के अंदर ब्रेकडाउन नहीं आएगा, जो एरर्स हैं हम उनको पहले से फोरकास्ट कर सकेंगे, जब आप उस गाड़ी को सही से चला रहे हैं, खड्डों पे से और स्पीड ब्रेकर्स पे से नहीं निकाल रहे हैं, आप उसके अंदर एयर प्रेशर सही रख रहे हैं तो माइलेज सही मिल रही है, इसका मतलब योर मशीन विल वर्क एट ऑप्टिमम कैपेसिटी, बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर वो चलेगी, ब्रेकडाउन नहीं होगा, वियर एंड टियर नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि वो सही से चल रही है। अगर वो आप उसको गलत सलत चला रहे हैं, हाई स्पीड पे चला रहे हैं, तो आपका पोल्यूशन होएगा, तो इसका मतलब पेट्रोल इस तरह से चल रहा है कि गाड़ी भी चल रही है और वो धुआं भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन आइडियली चलेगी तो कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा, इसका मतलब जो पूरे पेट्रोल की पावर है वो कहाँ लग गई, गाड़ी को चलाने में लग गई, मशीन में लग गई, तो कोई वेस्टेज ही नहीं हो रहा है। अदरवाइज जब मशीन सही नहीं है तो शुरू की 2 यूनिट और लास्ट की 2 यूनिट हमेशा ख़राब निकलती है, अब अगर हम उसको सही से चला रहे हैं सारी मशीन और सारी यूनिट सही निकल रही हैं, पहले आप 104 यूनिट्स निकालते थे कि पहले की 2 खराब हैं, 100 काम किए, फिर 2 और ख़राब निकलती है लास्ट की, अगर सही से चलाया 104 यूनिट्स निकलेंगे, वेस्टेज कम हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ऑल दीज आर एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस एज सच बची नहीं, क्योंकि ना तो हम प्रिवेंटिव में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ना हम ब्रेकडाउन में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। यस, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि हर एक जने में इतनी अवेयरनेस ला पाना, हर एक जने को ट्रेनिंग देना, तो ट्रेनिंग का एक खर्चा हमारा बढ़ सकता है, लेकिन वो खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। वो ट्रेनिंग क्या करनी है, एक बार देनी है, फिर कोई नई मशीन आएगी तो फिर से ट्रेनिंग देनी है, बीच में थोड़ा सा हो सकता है रिफ्रेशर टाइप का देना है कि उनको याद आ जाए अच्छा मशीन को सही से कैसे चलाना है। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सो दिस वॉज अ डिस्कशन ऑन मेंटेनेंस, जिसके अंदर हमने 3 टाइप की मेंटेनेंस आज देखी। So this is it for our today's discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.